हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है गार्डनिंग एंड हेल्थ टिप्स। और आज हम ये अडेनियम के पेड़ पौधे लगाने जा रहे हैं अलग गमलों में। इन्हें हमने 2 महीने पहले बीज द्वारा तैयार किया था। 2 महीने पहले इसका बीज बोए थे और उसकी वीडियो हम नहीं बना पाए थे क्योंकि उस समय हमारा चैनल नहीं क्रिएट हुआ था। तो दोस्तों, आप अडेनियम का पौधा आप कटिंग और बीज द्वारा दोनों तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कटिंग द्वारा तैयार करेंगे तो आपको अडेनियम जैसा लुक नहीं मिलेगा, क्योंकि अडेनियम का पौधा देखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और उसका लुक नीचे से ये देखिए मोटा होता है। जो नीचे का बल्ब होता है वो मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है, फिर उसकी पत्तियाँ निकली होती हैं। लेकिन अगर आप कटिंग से लगाएंगे तो आपको ये लुक नहीं मिलेगा, वो सीधी सीधी कलम ही रहेगी। तो इसलिए अगर आपको अडेनियम का पौधा लगाना है तो आप बीज द्वारा ही इसे तैयार करिए। और ये बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाते हैं। जून के महीने में आप इन्हें किसी भी गोबर और मिट्टी के खाद या के गमले या क्यारी में लगा दीजिए और 1 महीने में इसमें छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे। और 1 से 2 महीने बाद आप इन्हें अलग अलग गमलों में या दूर दूर लगा सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, हमारे ये लाल कलर के अडेनियम के बीज थे। अडेनियम के बीज आपको मार्केट में किसी भी, ये देखिए दोस्तों, बीज आपको मार्केट में किसी भी बीज भंडार में मिल जाएंगे, या फिर आप वैसे पेड़ से इन्हें पाना तो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि पेड़ से बड़े पेड़ों में ही इनके बीज होते हैं। और इनके बीज जैसे कि मदार का पेड़ आपने देखा होगा, उसी तरह से कुछ होते हैं। मदार के बीज जैसे तो दोस्तों, ये देखिए हमने अडेनियम के पौधे निकाल लिए हैं। तो दोस्तों ये देखिए हमारे अडेनियम के पौधे, इन्हें अब हम गमलों में लगा देंगे। दोस्तों इन्हें लगाने के लिए आपको खाद और मिट्टी का मिश्रण लेना है और उन्हीं में आपको सिंपली लगा देना है इस तरह से। और आपको अडेनियम का पौधा लगाते वक्त ध्यान ये रखना है कि इनमें पानी ना रुकने पाए। पानी जितना भी डाले वो केवल नमी बनी रहे, और अगर इसमें पानी रुक गया तो ये जो नीचे का बल्ब है ये सड़ जाएगा और इसकी जड़ें भी सड़ जाएंगी, फिर आपका पौधा मर जाएगा। इसलिए आपको इसमें पानी नहीं रुकने देना है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। ये लाल कलर की अडेनियम है। दोस्तों अब हमें इनमें पानी दे देना है। ये देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें पानी रुक नहीं रहा है तो नीचे से छन जा रहा है। तो दोस्तों आपको इसी तरह लगाना है। अगर आप चाहें तो गमले के नीचे के भाग में मोरंग की जो गिट्टी होती है उसे रख सकते हैं और उसके ऊपर मोरंग वो मिट्टी और खाद का मिश्रण लगा दीजिए। इससे आपको पानी जल्दी छनने में मदद मिलेगी, हमने भी यही किया है। और अगर आप नहीं रखेंगे तो कुछ दिनों में हो सकता है आपका वो जो गमले के नीचे का छेद होता है वो ब्लॉक हो जाए और पानी छन ना पाए। इसलिए अगर आप चाहें तो ये तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, हमने जो गुड़हल में गुटी बांधी थी उसमें जड़ें आ गई थी। इसका वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि हमारे पापा ने सुबह ही इसे लगा दिया आज। इसका हम वीडियो बनाने वाले थे निकालते हुए, लेकिन नहीं बना पाए, उसके लिए सॉरी। और दोस्तों आपको ये जो हमने गुड़हल की कटिंग का वीडियो बनाया था उसमें भी जड़ें आ गई थी और दो कटिंग लगाए थे, इसमें से एक
पेड़ हमने किसी को गिफ्ट कर दिया है, अपने मामा जी को। और एक पेड़ ये बचा हुआ है, ये भी जल्दी चला जाएगा क्योंकि इसे भी हम अपने मामा जी को देने वाले हैं, इसलिए हमने सोचा कि आपको दिखा दें। तो दोस्तों, इस तरह से आप अडेनियम का पेड़ उगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।